Assalamualaikum to class. Everyone take out of your maths workbook. Now open the page number 58. आज का आपका काम है कैलेंडर और इसको हम फिल इट करेंगे कैलेंडर के हिसाब से. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी. साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी. जनवरी के स्पेल करेंगे JANUARY जनवरी. द मंथ ऑफ बिफोर मई इज, मई से पहले कौन सा मंथ आता है? अप्रैल. APRIL अप्रैल. द मंथ ऑफ बिफोर मई इज अप्रैल. द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज, साल का दूसरा महीना कौन सा होता है? फेब्रवरी. FEBRUARY फेब्रवरी. द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज डैश ईयर इज फेब्रवरी. देर आर द डैश मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स. देर आर द डैश मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स इन अ ईयर. फिर नीचे आपकी ब्लैंक है. देर आर द डैश और डैश डेज इन अ मंथ. एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 और 31, 30 या 31 दिन होते हैं. देयर आर द 30 और 31 डेज इन अ मंथ. फिर है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश. महीने, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? साल का आखिरी महीना दिसंबर होता है. DECEMBER दिसंबर. द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर. इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज January. The month of before May is April. The month of before May is April. The second month of the year is February. The second month of the year is February. There are the dash month in a year, 12th month in a year. There are the dash month in a year, 12th month in a year. There are the dash or dash डैश और डैश डेज इन द मंथ. एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 और 31 डेज. देर आर द 30 और 31 डेज इन अ मंथ. द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश ईयर इज दिसंबर. ये पूरा जो है आपने कैलेंडर की मदद से सॉल्व करना है और ये पेज नंबर 58 है. और इसको पहले आप रफ कॉपी पे डन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी नीट कॉपी पे वर्कबुक पेज नंबर 58 पे डन करिएगा. थैंक यू.